जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान इस समय बैंक्रप्सी के कगार पर पहुंच चुका है। तो दोस्तों कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 के बाद शुरुआती फेज में पाकिस्तान भारत से भी तेज ग्रो कर रहा था, और केवल भारत से नहीं बल्कि पूरे एशिया के एवरेज से पाकिस्तान 2% आगे था। पाकिस्तान उस समय साउथ एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। तो आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई है कि आज पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबने के कगार पर खड़ी है? दरअसल बात है सन 1958 की, जब पाकिस्तान में कई सारे पॉलिटिकल चेंजेस हुए और उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी फंडामेंटल बदलाव आए। और दोस्तों इन सभी के पीछे केवल एक ही आदमी जिम्मेदार था, और वो आदमी था जनरल अयूब खान। जब आर्मी और पॉलिटिशियन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस समय यह तख्ता पलट करके पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन गया, और उस समय पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को भी मिला। मैन्युफैक्चरिंग 8% पर ईयर के स्पीड से बढ़ी, बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, नेशनल हाईवेज बनाए गए। मगर इन सब के पीछे एक सवाल उठ रहा था कि आखिर इन सब डेवलपमेंट्स के लिए पैसे आया कहां से? दोस्तों उस समय पाकिस्तान के लीडर्स ने एक ऐसा पोर्टल ओपन कर दिया था जो आने वाले समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी को पूरी तरह से डैमेज करने वाला था, और दोस्तों वो पोर्टल था डेट। आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि पाकिस्तान आज तक IMF से 22 बार लोन ले चुका है, और दोस्तों बल्कि IMF से ही नहीं, इसने एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी काफ़ी ज़्यादा लोन लिया है। वैसे तो डेट बुरा नहीं होता है, लगभग हर कंट्रीज कहीं ना कहीं से डेट लेती हैं, मगर उन पैसों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ये उसके फेलियर और सक्सेस पर डिपेंड करता है। अगर डेट से आया पैसा कंट्री के डेवलपमेंट में यूज होता है तो वह डेट देश को आगे ले जा सकता है, लेकिन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों पर पाकिस्तान का फोकस था ही नहीं, उसका मेन फोकस था मिलिट्री पर। और पाकिस्तान के बजट को देखा जाए तो पाकिस्तान आज भी सबसे ज़्यादा पैसा दो चीज़ों पर खर्च करता है, पहला है डेट रिपेमेंट और दूसरा है डिफेंस। पाकिस्तान अपने डिफेंस के बजट को हर साल बढ़ाता रहता है, ये जानते हुए कि वार से किसी को फायदा नहीं होता है। पाकिस्तान की प्रायोरिटी आज तक नहीं बदली है, और यही रीजंस हैं कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट ना होने की वजह से इनकम के सोर्स बढ़े ही नहीं, और आज भी पाकिस्तान के कुल पॉपुलेशन के 42% लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। ऐसे में फॉरेन कंपनीज वहाँ क्यों आएंगी और वहाँ के लोगों को जॉब क्यों देंगी? और इन सारी सिचुएशंस की वजह से पाकिस्तान आज एक ऐसे डेट ट्रैप में फंस गया है जिससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है और ज़्यादा डेट लेना। ऐसे में सिचुएशन सबसे ज़्यादा ख़राब तब हुए जब पाकिस्तान डेट के लिए चाइना के पास गया। वो तो पता ही है कि जब पूरी दुनिया लोन देना बंद कर देती है तो ऐसे सिचुएशन में आगे आता है चाइना। ऐसे में इसके कुछ बड़े कंडीशंस भी होते हैं। चाइना के डेट ट्रैप के बारे में तो आपको पता ही होगा, जहाँ वर्ल्ड बैंक 3 या 3.5% के इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है तो वहीं चाइना किसी भी कंट्री को 6 या 6% से अधिक के इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है, और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो चाइनीज कंपनीज को ही मिलती है और वहाँ चाइनीज लोगों को ही एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। पाकिस्तान में जितने भी प्रोजेक्ट्स चाइना डेवलप कर रहा है वहाँ पर आधे से ज़्यादा वर्कर्स चाइनीज हैं। फिर कुछ समय बाद अगर प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो उसमें तो चाइना का फायदा है ही, अगर प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसमें भी चाइना का फायदा होता है। चाइना कंपनी ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में अपना प्रॉफिट बनाए हुए होती है, और जो लोन पे इंटरेस्ट मिलता है वो अलग। पूरी दुनिया में 40 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने GDP का 10% लोन केवल चाइना से लिया है, और ये तो केवल ऑफिशियल नंबर है, एक्चुअल नंबर तो किसी को पता ही नहीं है। टाइम पे पाकिस्तान पर $130 बिलियन का कर्ज है, और इस कर्ज को चुकाने के लिए फिर से IMF से कर्ज लिया जा रहा है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि IMF केवल $6 बिलियन का ही कर्ज दे रही है, और पाकिस्तान पर टोटल कर्ज $130 बिलियन का है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पाकिस्तान का एक मिनिस्टर अपने देश के लोगों से एक कप चाय कम पीने की अपील कर रहा था। दोस्तों इस बात को सुनकर बहुत सारे लोग तो हंसे होंगे, मगर चलिए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। दरअसल पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा चाय इंपोर्ट करने वाला देश है। एक साल में पाकिस्तान $600 मिलियन से अधिक की चाय इंपोर्ट करता है, और दोस्तों हम आपको बता दें चाय को खरीदने के लिए फॉरेन रिजर्व का यूज होता है। चाय कम पीने के साथ साथ गवर्नमेंट ने दुकानदारों को दुकान जल्दी बंद करके इलेक्ट्रिसिटी बचाने को भी कहा है। फ्राइडे के दिन वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा है जिससे पेट्रोल को बचाया जा सके। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एब्रॉड ट्रिप लेने से मना किया है, और साथ साथ कुछ शहरों में अल्टरनेट डेज पर स्ट्रीट लाइट को भी बंद करने को कहा है। बातें आपको छोटी जरूर लग रही होंगी, मगर सिचुएशन के सीरियसनेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे स्टेप्स लेने भी जरूरी हैं। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में आज भी 42% लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, और इकोनॉमी का हाल उन तक भी तो पहुंचाना है। तो आखिर भारत को पाकिस्तान के इस सिचुएशन से क्या सीखना चाहिए, आइए जानते हैं। हमको अपने क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान आज भी अपने बजट का 2.5% ही एजुकेशन पर खर्च करता है, और अगर बात करें भारत की तो भारत भी 3.5% ही एजुकेशन पर खर्च करता है, और ये आंकड़ा डेवलप्ड कंट्रीज के मामले में काफ़ी छोटा है। दोस्तों हम बता दें कि डेवलप्ड कंट्रीज में ये आंकड़ा
7% से ऊपर है। मैं कंपैरिजन डेवलप्ड कंट्री से करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान से। और दूसरी चीज, भारत में अपॉर्चुनिटी डेवलप करने की जरूरत है। आज तक पाकिस्तान के किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 5-year टर्म को पूरा नहीं किया है। या तो उनका असैसिनेशन हो जाता है या उनके ही लोग उनके सरकार गिरा देते हैं। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का न होना ही पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट न होने का सबसे बड़ा रीजन है। यहाँ पर गवर्नमेंट की 5 साल की गारंटी ना हो, वहाँ पे कोई कंपनी 50 साल के लिए इन्वेस्ट कैसे करेगी। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, फिर भी फॉरेन कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बाहर प्रोड्यूस करके इंडिया में केवल बेचना पसंद करती हैं। ऐसा इसलिए कि भारत का जो लॉ है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ इन्वेस्ट करना, जॉब जनरेट करना दुनिया रिस्की समझती है। 2020 में जो कंपनी चाइना से इंडिया में आने वाली थी, वो इंडिया में आकर के वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश जैसे देशों में चली गई। इसमें गलती हमारे पॉलिटिशियंस के एटीट्यूड की है। नई सरकार पिछले सरकार के अच्छे बुरे डिसीजन को रिवर्स करने में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देती है। एग्जाम्पल के लिए आज भारत एक दिन में 40 किलोमीटर हाईवेज बना रहा है। अपने आप में ये रिकॉर्ड है जो सबके लिए एक अच्छी बात है। तो अचीव करने के लिए एक सिस्टम बन चुका है। और वहीं 5 साल बाद कोई दूसरी सरकार आती है और पुराने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर देती है, केवल ये प्रूफ करने के लिए कि पुरानी वाली जो सरकार थी वो बेकार थी। तो इससे केवल देश का ही नुकसान होगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।